टेक न्यूज हरियाणा के इस कार्यक्रम मंच में आपका स्वागत है। अब तक इससे पहले भी हमने कई मुद्दों को लेकर चर्चा करी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर थे, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जिन्होंने अपनी चर्चा करी, और अब हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा चेहरा भी है, वरिष्ठ नेता है चाणक्य पंडित जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर के जो माहौल चल रहा है, सरगर्मियां चल रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, लोगों के बीच आप भी जा रहे हैं लगातार, हमने देखा कार्यक्रम थे, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि तीसरी बार आ रहे हैं, कांग्रेस को लेकर के आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस कितना मजबूत? सबसे पहले शर्मा जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने शो पे मौका दिया। और जहां तक चुनावों की बात है उसमें मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है दीपक जी, ये चुनाव सिद्धांतों की लड़ाई है, ये चुनाव नौजवान की लड़ाई है, ये चुनाव उस नौजवान के बेरोजगार चेहरे की लड़ाई है, ये चुनाव किसान को उसका पर्याप्त रूप से उसके पुरुषार्थ का अर्थ देने की लड़ाई है, ये चुनाव हमारी महिलाओं को, जिस देश में देवियों की पूजा करी जाती है, आज इस देश में हमारी वो देवियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति इस प्रकार से अटपटा गई है कि सड़क पे हमारी माताएं और बहनें अपने आप को महफूज नहीं समझती। ये लड़ाई उनको सुरक्षित रखने की है, ये लड़ाई दुकानदार को, श्रमिक को उसके पुरुषार्थ का अर्थ देने की है, ये लड़ाई महंगाई के खिलाफ है। तो मेरा मैं ऐसा मानना है कि ये चुनाव कुछ इन परिस्थितियों के बीच में लड़ा जा रहा है, और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं इस पे मेरा मानना है कि भाजपा पूर्ण रूप से विफल रही, इन मुद्दों को, इन तारों को उठाने की कोशिश भी नहीं करी गई, इन पे चर्चा नहीं करी गई, और आज किसी और विषय पे ध्यान केंद्रित करके भाजपा ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। हमारा यह मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से सफल होकर निकलेगी, और उसका कारण यह है कि नौजवान और किसान, दुकानदार, श्रमिक और यहां तक कि समाज का हर वर्ग इनकी नीतियों से त्रस्त है, इनके पिछले 10 साल के रवैये से त्रस्त है, उस अहंकारी चेहरे से त्रस्त है जिसका बीजेपी स्वरूप बन चुकी है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में उस अहंकारी चेहरे को परास्त किया जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। बीजेपी तो फिर भी अभी काफी आश्वस्त है, आप कह रहे हो लोग त्रस्त है, लेकिन उनका कहना है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है। आपसे पहले कुछ देर पहले बात कर रहे हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पर थे नायब सिंह, उनका कहना है कि परिस्थिति यह है कि चौके छक्के लगेंगे, 400 पार का जो नारा दिया उसको पार करेंगे, हरियाणा में भी 11 की 11 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, 10 लोकसभा और एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, काफी आश्वस्त बीजेपी अपनी तरफ से नजर आ रही है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ऐसी बात करना शोभा तो नहीं देता, परंतु उनकी परिस्थिति मुख्यमंत्री होने के कारण ऐसी है कि वो इस बात से, इस डगर से अपने आप को परे भी नहीं हटा सकते। आप इस बात को समझेंगे कि जब मुख्यमंत्री जी अपना आपके साथ बातचीत कर रहे तो मैं यहां बैठा था, मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने मात्र 3 सेकंड में बेरोजगारी के मुद्दे पे अपना वर्डिक्ट सुना दिया, मैंने देखा कि मुख्यमंत्री महोदय ने महंगाई के ऊपर बात करी, यहां बैठे बैठे मात्र 2 सेकंड में कह दिया कि महंगाई कांग्रेस के जमाने में थी और आज महंगाई खत्म हो चुकी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 10 साल पहले 43,000 की थी, ऐसा क्या हो गया कि 10 साल में आज वो 85,000 90,000 की है, किस्तों पे लो तो 1,00,000 की है। ये कोई तेल की तरह आयात का विषय तो है नहीं कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, विदेश से आ रहा है, इसका दाम विदेश में जो बैठी सरकारें हैं वो सुनिश्चित कर रही हैं, ये तो मुंजाल साहब ने यही बनाई है। तो महंगाई के इस अहम मुद्दे पे आज आटा, दाल, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट, हर चीज का दाम दुगना हो चुका है। हमें इसी बात को समझना है, हमें इसी बात को मद्देनजर रखना है कि जो मुद्दे इस देश के नौजवान को, इस देश के आने वाले भविष्य को,
जो मुद्दे प्रभावित करते हैं उन पर भाजपा टिप्पणी करने की कोशिश नहीं करती, जो मुद्दे नौजवान के भविष्य को सुनिश्चित और सुरक्षित करने से जिनका कोई लेना देना ही नहीं है भाजपा उनको प्रकाशित करती है। देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इस देश में किसान का तिरस्कार किया गया, उस किसान का जैसा मैंने हमेशा कहा है, उस किसान का जिसको महात्मा गांधी के ने एक जमाने में अपने एक आह्वान पे एक सूत्र में पिरोकर इंग्लिस्तानियों की पीठ तोड़ी थी, उस किसान का जिसका नौजवान सरहद पे खड़ा होकर आपकी रात की नींद सुनिश्चित करता है, उस किसान को दिल्ली की सरहद पे 700 की तादाद में शहादत देनी पड़ी, उस किसान को परिभाषित करा गया कभी आंदोलनकारी कभी ड्रग एडिक्ट। हमें यही बात समझनी पड़ेगी कि जो किसान हमारे पर्याप्त रूप से पेट भरता है आज उसको उसके पुरुषार्थ का अर्थ नहीं मिल पा रहा। अगर नौजवान की बात करें, 10 साल पहले जो हमारी डीसी रेट हुआ करता, मिनिमम वेज हुआ करती, आज वो वहीं की वहीं खड़ी, उसमें थोड़ी सी बहुत वृद्धि हुई परंतु आवश्यक चीजों का दाम दुगना तिगना हो चुका है। तो जो हमारा वेज इंक्रीज हो रहा वो उस अनुपात में इंक्रीज नहीं हो रहा, उस अनुपात में उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही जिस अनुपात में आवश्यक वस्तुओं की जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती उनके दामों में वृद्धि हो। जो मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, क्या लोगों के बीच, क्योंकि लगातार आप जा रहे हैं, हम बीच में देख रहे हैं लगातार कई कार्यक्रम आपके भी रहे, तमाम लोगों के बीच गए, बात रखी, पूरे प्रदेश में जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं क्या वो लोगों के बीच उन बातों को रख पा रहे हैं, जो समर्थन की उम्मीद आप लोगों से कर रहे हैं क्या वो अभी तक मिल पा रहा है, क्योंकि समय काफी कम मिला है इस बार उम्मीदवारों को और अब तो 8 ही दिन बाकी हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, उम्मीदवार सुनिश्चित करना पार्टी हाईकमान का फैसला है। मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित चिंजलाल इस करनाल क्षेत्र से 4 बार MP रहे, बिल्कुल MLA भी रहे, मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार में, वो DCC प्रेसिडेंट भी रहे थे 17 साल के लिए, मेरे पिताजी DCC प्रेसिडेंट रहे और मैं भी आज अपने आप को उसी रूप में उसी स्वरूप में एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखता हूं। हमें पार्टी को सशक्त बनाना है। चुनाव अगर आप देखिए, मैं पेशे से वकील भी हूं शर्मा जी, आप तो जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है वो इस चीज पे आधारित है कि पार्टी चुनाव जीतती है, कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता। आप ये भली भांति जानते हैं, जब आया राम गया राम का सवाल उठा था उसके पश्चात एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लियामेंट में पास हुआ था। जब एंटी डिफेक्ट, जब इस देश का कानून ये मान रहा है कि चुनाव पार्टियां लड़ती हैं और कैंडिडेट नहीं लड़ते, तो कैंडिडेट को फोरग्राउंड में लाकर हम उन पार्टियों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव भाजपा लड़ रही है, चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, चुनाव कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। बीजेपी के हम बात करें, लगातार तमाम नेता चुनाव प्रचार में हैं, बड़े नेता भी यहां पर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह की भी बात करें वो आ चुके हैं, कई और भी बड़े नेताओं की बात करें लगातार कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री के भी आने वाले दिनों कार्यक्रम है। हरियाणा की जब हम बात करते हैं, हालांकि यूं तो आप दौरा कर ही रहे हैं और भी हम तमाम नेताओं बात करें, या तो फील्ड में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, कुलदीप शर्मा जी, तमाम वो लोग हैं यही नजर आ रहे हैं। पार्टी हाईकमान के बड़े जो नेता है कांग्रेस का, उनको आने में अभी कार्यक्रमों के उनकी रूपरेखा तैयार हो रही है, लग नहीं रहा इस रूपरेखा तैयार करने में उस समय में काफी देर हो गई है, काफी शर्मा जी देखिए कम है। मैं आपकी बात समझता हूं और मैं देख रहा हूं कि यह बात बार बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष से पूछी जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के कौन कौन बड़े, क्या अमित शाह जी हरियाणा में आए अभी तक? सुना है उनके 3 फंक्शन कैंसिल हो गए। नरेंद्र मोदी जी भी अभी थोड़े दिन में आएंगे। इसी प्रकार से जब चुनाव की गर्मियां नजदीक आती हैं तब जो पार्टियों के धुरंधर हैं, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो आपको उस इलाके में फील्ड में दिखेगा। हिंदुस्तान कोई इंग्लैंड थोड़ी ना है कि एक मध्य प्रदेश भर के इलाके में पूरा देश सिमट गया। हिंदुस्तान इस देश, इस विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर आप केरल में आज हो तो कल बंगाल में होना मुश्किल हो जाता है, अगर कल बंगाल में हो तो परसों राजस्थान में होना मुश्किल हो जाता है। तो जब समय आएगा शर्मा जी, निश्चित रूप से
आने वाले समय में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आपको हरियाणा में दिखाई देगा। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय उदयभान जी ने भी आपके सामने बात प्रत्यक्ष करी कि किस प्रकार से 23 तारीख को और 20 तारीख को हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में अपनी उपस्थिति दर्ज करके वोटों के लिए आह्वान करेगा। तो हरियाणा में किस तरीके की परिस्थितियां अभी आप देख रहे हैं, लोकसभा वाइज भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी आने हैं, उसमें भी ज्यादा लंबा समय बाकी नहीं है, सितंबर तक अक्टूबर तक वो चुनाव भी हो जाएंगे। फिलहाल हरियाणा में कितनी परिस्थितियां बदली हैं इन बीते, क्योंकि 10 वर्ष से विपक्ष में है कांग्रेस, हरियाणा में भी बात करें प्रदेश सरकार में भी 9.5 साल हो गए, कितनी परिस्थितियां बदली हैं और कितना अब समर्थन लोगों का मिल रहा है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए जो पक्ष जो प्रस्ताव मैंने सर्वप्रथम आपके समक्ष रखा था, आपके आपके शो में रखा था, उस बात को वापस दोहराऊंगा कि पिछले 9.5 साल एक अहंकारी चेहरे का प्रतीक रहे हैं। पिछले 9.5 साल में वो नौजवान जिसको वादा किया गया था कि उनको 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वो नौजवान जब इनके समक्ष नौकरियों के लिए प्रस्ताव लेके गया, ये कहने गया कि ये मेरी एप्लीकेशन है, मुझे नौकरी दी जाए, दिल्ली और चंडीगढ़ में आपकी जगह बन चुकी है, जो आश्वासन आपने किए थे उनको पूरा करने का समय आ गया है, तो उनका स्वागत लाठियों और डंडों से करा गया था। करनाल शहर में जहां पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जहां से विधायक थे, न जाने जिस सड़क पे हम आज मंगल सेन ऑडिटोरियम में बैठे हैं, न जाने इस सड़क पे कितनी बार नौजवानों पे, छात्रों पे, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पे, सीईटी क्वालिफाइड छात्रों पे धावा बोला गया है। सड़क पे जिस देश में देवियों की पूजा करी जाती है, इसी सड़क पे उस देश में एक उदाहरण सेट करा गया जहां आंगनवाड़ी की महिलाओं के ऊपर दिन दिहाड़े वाटर कैनन चलाए गए। ये जिस सड़क पे आप बैठे हैं, इसी सड़क का उदाहरण दे रहा हूं। पिछले 9.5 साल में हमारे सामने जो भ्रष्टाचार का उदाहरण आया, जो भ्रष्टाचारी है वो तो जेल के बाहर है और जो चोरी पकड़ता है वो जेल के अंदर है, ये भी इसी शहर में आया। आपके जैसे जर्नलिस्ट ही थे वो। तो मेरे कहने का मतलब शर्मा जी ये है कि पिछले 9.5 साल से जिस प्रकार से किसान की, नौजवान की, दुकानदार को जिस प्रकार से जीएसटी की चपेट में लेकर, वो जीएसटी कानून जिसमें 3,500 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो अगर आपने कानून पारित करा जो डायरेक्टली छोटे दुकानदार को अफेक्ट करता है और उस कानून में आपको 3,500 अमेंडमेंट करने पड़े, तो आपने तो उस कानून का स्वरूप ही बदल दिया। और स्वरूप बदलते बदलते न जाने कितने अनेकों परेशानियों से हमारे दुकानदार भाइयों को गुजरना पड़ा। तो जो मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ये तो तमाम मुद्दे हैं, ये युवाओं से जुड़े हैं और आप खुद भी एक युवा हैं। युवाओं का समर्थन कितना मिल रहा है इस मुद्दे को लेकर के, युवाओं के बीच जब आप लोग जाते हैं तो उसको लेकर के कितना समर्थन इस बात को लेकर के है? क्योंकि जहां तक युवा उम्मीदवारों की बात करें तो हरियाणा में ज्यादा युवाओं का जो मुद्दा है वो रोजगार का जरूर आप लोग उठाते रहे, अब कितना समर्थन मिल रहा है इन चुनावों में? मेरा ऐसा मानना है कि नौजवान जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, उस उत्पीड़न के खिलाफ नौजवान ने अब अपनी आवाज उठा ली है, झंडा बुलंद हो गया है और आने वाले समय में भाजपा को नाको चने चबवा देंगे नौजवान। जिस प्रकार से इन नौजवानों को चोट मारी गई है, इन एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, बाद में पता लगता है कि उसमें स्कैम हो गया, 25 से अधिक मामले हाईकोर्ट के संज्ञान में आ गए, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता परंतु निश्चित रूप से वो 20 से अधिक मामले हाईकोर्ट के संज्ञान में है जहां स्कैम हुआ है। कितने कितने पेपर्स एग्जामिनेशंस बीजेपी को कैंसिल करने पड़े, बीजेपी के दफ्तरों में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीब जो लोग आसपास इर्द गिर्द घुमा करते थे उनके दफ्तरों में करोड़ों रुपए मिले। पता लगा कि एक के बाद एक स्कैम हो रहा है, पता लगा यूरिया में स्कैम हुआ, पता लगा शराब में स्कैम हुआ, हर स्कैम में
इस सत्ता का हाथ था। और आज ये सत्ताधारी करप्शन पे जब टिप्पणी करते हैं तो लोगों के पेट में चूहे से कूदने लग जाते हैं, उनको हंसी सी आने लग जाती है, क्योंकि जो उदाहरण भ्रष्टाचार का भाजपा ने इस देश को दिया है, जो माइक्रो और मैक्रो रूप में भ्रष्टाचार का उदाहरण भाजपा ने इस देश को दिया है, यह उदाहरण कभी नहीं दिया गया था। तो आप बीजेपी जेजेपी और भी दल है हरियाणा में, उनको कहां देखते हैं? जननायक जनता पार्टी ने भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, हालांकि बीच में तो उन्होंने आप लोगों को अभी समर्थन की बात भी करी है कि अगर सरकार गिराते हैं दोबारा बनाते हैं तो वो समर्थन भी आपको करेंगे। उन लोगों को कहां, उन राजनीतिक दलों को कहां देखते हैं? हम जेजेपी और आईएनएलडी की बात करें। देखिए जेजेपी, जहां तक मेरा सवाल, आपका सवाल जेजेपी के लिए है, तो जेजेपी भी पिछले 4.5 साल से उस पाप की भागीदारी है। आज चुनाव की शाम में बीजेपी ने खुद ही जेजेपी को दरकिनार करके उनको एक ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि वो ना तो आगे देख सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ऐसे वातावरण में जेजेपी बड़े बड़े बातें कर रही है अपने अफ्लोट रहने के लिए, अपने की लड़ाई के लिए बड़े बड़ी परिभाषाएं दे रही है। वो तो आपको समर्थन की बात भी कर रहे हैं, अगर सरकार गिराने की जो बात भी, तो वो समर्थन दे दें, उन्होंने अभी तक दिया तो नहीं। नहीं समर्थन, वो विलय क्यों नहीं कर देते? साथ जुड़ने की नहीं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने कहा था अगर लाते हैं तो उसमें सहयोग करेंगे सरकार गिराने में। देखिए ये जेजेपी की एक बड़ी विचित्र गुगली, आप भलीभांति जानते हैं, मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बात पर टिप्पणी करी कि हाल ही में थोड़े दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था, अब 6 महीने तक नया नहीं आ सकता। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, गवर्नर के पास कोई कारण होना चाहिए कि गवर्नर ऑर्डर करें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाइए जी, आप प्रूव योर कॉन्फिडेंस इन द हाउस। उसके लिए कारण कैसे बन सकता है कि जेजेपी अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दे, कांग्रेस के जो लेजिस्लेटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, परंतु वो ये नहीं करेंगे, वो बात करेंगे जो संभव नहीं है। वो कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव लाओ, तो अविश्वास प्रस्ताव तो सितंबर तक आ नहीं सकता, तब तक इंतजार कर लेंगे। तो इस लोकसभा चुनाव में उनकी कहीं भूमिका तो देख रहे होंगे, वो भी 10 के 10 लोकसभा पर है चुनाव, वो भी लड़ रही है, जननायक जनता पार्टी के बीच जा रही है, इंडियन नेशनल लोकदल भी लोगों के बीच जा रही है। आप तो कांग्रेस की ही बात करी या बीजेपी की बात करी, कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं, उनको कहां देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए सब राजनीतिक दल अपने अपना पुरुषार्थ करते हैं, इस पुरुषार्थ में जैसे भाजपा है, भाजपा अपना पुरुषार्थ आज चुनाव जीतने के लिए कर रही है, परंतु एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, इनकम्बेंसी, पिछले 9.5 साल से भाजपा चंडीगढ़ में भी विराजमान है और दिल्ली में भी विराजमान है। इन 9.5 साल में जो प्रतिक्रिया उन्होंने नौजवानों और किसानों के प्रति रखी, उस प्रतिक्रिया का भी खामियाजा इनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। आज बड़े बड़े दावे करके भविष्य के और एक और देखिए, 2014 का चुनाव जब लड़ा गया था तो भाजपा ने वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15-15 लाख मिलेंगे, जो हवाई चप्पल में बैठा है वो हवाई जहाज की सैर करेगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वादे, स्वामीनाथन लागू करेंगे, किसान की आय 2.5 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी। 2019 में उन बातों को स्तंभित करके उन विषयों पे कभी चर्चा भी नहीं करी गई। 2019 में एक नया नारा दिया गया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करी गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करी गई, हम उससे समझौता नहीं कर सकते थे। इस देश के अरमानों को उसी प्रकार जगा दिया गया जैसे एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट के मैच में जग जाते हैं। लेकिन बीजेपी काफी आश्वस्त अभी भी नजर आ रही है, उनका कहना है कि 2014 में हमने 9 सीटें जीती थी, बोले 2019 में वो 9 नहीं 8, वो अगर बात करें तो उसका उनका कहना है कि इन्होंने 2019 में उस आंकड़े को बढ़ाया 10 की 10 लोकसभा सीटें, इस बार वो 11 की बात कर रहे हैं एक विधानसभा को भी जोड़ करके, वो तो अभी भी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपने उस सीटों को लेकर के कि 10 लोकसभा और एक विधानसभा, इस बार 11 का आंकड़ा करेंगे उसको। देखिए आप पढ़े लिखे हैं शर्मा जी, तो साइंस में तो विश्वास करते ही होंगे, भाजपा निश्चित रूप से आंकड़ा भराकर 10 पे पहुंच गई थी, परंतु आप ये भी जानते हैं व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन,
हरियाणा में आप 10 से ऊपर नहीं जा सकते, तो उस पर्वत की उस चोटी पे ये पहुंच चुके थे और आज रास्ता या तो इधर नीचे उतरने का है या उधर नीचे उतरने का। सवाल ये है कि बीजेपी उतर पाएगी या लुढ़क के सीधा खाई में गिर जाएगी। सवाल केवल इतना रहेगा पंडित जी, सवाल केवल इतना रहेगा। चलिए विधानसभा को लेकर के भी बात करेंगे, विधानसभा के चुनाव भी नजदीक हैं आने वाले टाइम में, लोकसभा के बाद होंगे। अभी आप इंडिया अलायंस के तहत, इंडिया अलायंस जिसे भी कहते हैं, कोई इंडिया अलायंस भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं। आम आदमी पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है कुरुक्षेत्र में। इस लोकसभा के बाद लगता है कि क्या समीकरण फिर से चिंतन करना पड़ेगा उस पर, इस इंडिया अलायंस पर, या विधानसभा को लेकर के भी जरूरत पड़ेगी? किस तरीके के समीकरण अब आप देख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं इसको देख करके? देखिए, जो इंडिया अलायंस है वो एक कॉमन नीड से उभरा है। जो कॉमन हमारी जरूरत है वो यह है, नौजवान को नौकरी देना। भाजपा के 10 साल में उस नौजवान का तिरस्कार ही नहीं परंतु उसकी अनदेखी करी गई। पिछले 9.5 साल में आज जब इंडिया अलायंस कहता है कि सत्ता पक्ष में आने के बाद, दिल्ली में सरकार की स्थापना के बाद, हम निश्चित रूप से किसान को पर्याप्त रूप से उसका पर्याप्त पुरुषार्थ का अर्थ देंगे, C2+50 का फॉर्मूला लगाकर स्वामीनाथन का लाभ उस तक पहुंचाएंगे, तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसपे इंडियन अलायंस बना है। भाजपा की जो खामियां थी, भाजपा की जो नपुंसकताएं थी, भाजपा की जो नीतियां थी उनको निरस्त करने के लिए, भाजपा की पीठ देखने के लिए ये इंडियन अलायंस बनाया गया है। और इंडिया अलायंस निश्चित रूप से जिस कॉमन एम पे वर्क कर रहा है, इट्स लाइक अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो जिस कॉमन एम पे वर्क कर रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में इसकी स्थापना। अभी आपसे पहले जब उदयभान, उनसे पहले मुख्यमंत्री बात कर रहे थे यहाँ पर, उन्होंने इसी इंडिया अलायंस को लेकर प्रश्न भी उठाए थे। उन्होंने कहा कि इस इंडिया अलायंस में हरियाणा में आम आदमी पार्टी है वो पार्टी है जो SYL के मुद्दे पर पंजाब में अलग भाषा करती है, हरियाणा में अलग बात करती है, इसका कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है और लोग समझ चुके हैं। वो सीधे तौर से कह रहे थे कि इंडिया अलायंस को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हरियाणा में। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय का ये काम बनता है कि वो ये कहें कि इंडिया अलायंस को लोग हरियाणा में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया अलायंस, जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा, इंडिया अलायंस एक दूसरों की, एक दूसरी पार्टी, जो दो पार्टियां हैं हरियाणा में इस अलायंस में, उन दोनों के फासलों पे नहीं बनी हुई है परंतु उनकी कॉमन मुसीबतों पे बनी हुई, इस क्षेत्र के नौजवान की कॉमन मुसीबतों पे बनी हुई। आप पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस करा कि द डिफरेंसेस वी हैव आर मोर देन द प्रॉब्लम्स वी शेयर, जो हमारे और आप में फर्क है, अंतर है, मतभेद है, वो जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उससे काफी कम है, तो इसलिए अगर हम अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करें, इस क्षेत्र के नौजवान की, इस क्षेत्र के किसान की, इस क्षेत्र के छात्र की, इस क्षेत्र की महिलाओं की, इस क्षेत्र के दुकानदार की कॉमन प्रॉब्लम्स अगर पहले सॉल्व करें, तो निश्चित रूप से इस देश की सेवा में पहला कदम रख सकेंगे। नहीं तो बीजेपी वाली परिस्थिति बनती है जहां महंगाई के मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री ने 2 सेकंड में खत्म कर दिया और बेरोजगारी पे मात्र 3 सेकंड लगाए, जो 35% लगभग 40% नौजवान इस देश के जॉब मार्केट, इस क्षेत्र के जॉब मार्केट में है। इस क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश में लगभग 35% बेरोजगारी। हम इस बात को समझते हैं, भली भांति जानते हैं कि अगर उस बेरोजगारी को ही दूर नहीं करा तो भविष्य में राष्ट्र निर्माण किस प्रकार से होगा, कैसे संभव होगा। इसलिए उस बेरोजगारी को दूर करना पहला पड़ाव है, किसान को पर्याप्त रूप से उसके पुरुषार्थ का अर्थ देना
दूसरा पड़ाव है, और ऐसे एक के बाद एक हम अपने इस किश्ती को उसके साहिल से, उसके किनारे से मिलाएंगे। चलिए, चर्चा का एक अंतिम प्रश्न है, चर्चा का आप लोगों के बीच जाते रहे, यही दोबारा एक बात पूछना चाहूंगा, इन जिन 10 लोकसभा सीटों में एक हालांकि गठबंधन के, तो 9 लोकसभा हो गई और एक विधानसभा हो गई, कांग्रेस को कहां देख रहे हैं और लोगों से अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिन पे हमारी चर्चा हुई है, आने वाली 25 मई को मैंने हमेशा एक नारा दिया है, 25 मई भाजपा गई, तो आने वाली 25 मई को हम उम्मीद करेंगे कि इस क्षेत्र का नौजवान और किसान हम स्वर होकर इस देश का जो एक सुंदर भविष्य की स्थापना का सपना एक जमाने में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने लिया था, उस सपने को साकार करने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से हमारा प्रयास और पुरुषार्थ उस दिशा में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। चाणक्य पंडित जी हमारे साथ थे, लगातार उन्होंने बातें करी, कांग्रेस की जो बातें हैं, कांग्रेस के जो सोच है उसको लेकर के बात करी, हालांकि सरकार पे भी जमकर निशाना साधा, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस मंच कार्यक्रम में अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे।